पानीपत व्यापार मंडल ने एकत्रित होकर पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों की मंगलवार को शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे देश के गद्दारों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहां सोनीपत में व्यापार मंडल से जुड़े दुकानदारों में बेहद गुस्सा है। इनके साथ शहर के आम व्यक्ति भी एकत्रित हुए हैं और यह सब मिलकर पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे छोड़कर खुशी मनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग सरकार से कर रहे हैं। और यहां पर देश के उन गद्दारों की शव यात्रा भी निकाली जा रही है। व्यापार मंडल के जिला प्रधान संजय सिंगला ने कहा कि ऐसे देश के गद्दारों की पहचान कर उन्हें सख्त से सख्त सजा सरकार के माध्यम से मिलने चाहिए और उन्हें पाकिस्तान भी भेज देना चाहिए ताकि वह अपनी खुशियां जीवन भर वही मनाते रहे। सरकार को इस ओर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। आइए बात करते हैं जिला व्यापार मंडल सोनीपत के प्रधान संजय सिंगला से, उनका इस मामले पर क्या कहना है। आज हमने जिला व्यापार मंडल और कच्चे क्वार्टर मार्केट में दो दिन पहले जो भारत पाकिस्तान का मैच था और उसमें पाकिस्तान के जीतने पर, भारत के हारने पर देश के जिन गद्दारों ने खुशी जाहिर की है, आज उनकी ये चिता निकाली जा रही है, उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे गद्दारों को जो देश की हार पर और पाकिस्तान की जीत पर खुशी जाहिर करते हैं, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए या सीधा उनको गोली मारने की सजा दी जाए।